नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशल। आइए नजर डालिए आज की टॉप 10 खबरों पर। प्राइवेट स्कूल में बम की धमकी के बाद हड़कंप, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मथुरा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। इस धमकी के मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में परिजन भी पहुंच गए हैं। प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में सरकारी छुट्टी का ऐलान। 27 अप्रैल को बंद रहेंगे राज्य के सभी सरकारी कार्यालय। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में पंजाब सरकार ने 27 अप्रैल यानी कि गुरुवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं केंद्र पहले ही 26 और 27 अप्रैल को 2 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा कर चुकी है। आपकी शैली ओबेरॉय फिर से बनी दिल्ली की मेयर। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय एक बार फिर से दिल्ली की मेयर बन गई है। उनके अलावा मोहम्मद इकबाल को भी डिप्टी मेयर के पद पर निर्विरोध चुन लिया गया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। दिल्ली में मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर। बीजेपी ने अपने मेयर डिप्टी मेयर कैंडिडेट हटाए। बीजेपी ने दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि हमारे सभी प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से नगर निगम में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई चारधाम यात्रा। भारी संख्या में पंजीकरण करवा रहे हैं लोग। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए 13 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए खास इंतजाम भी किए हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। होटल में शूटर्स के पास नहीं थे माइक कैमरा, किसी बाहरी ने की थी मदद। अतीक और अशरफ की हत्या करने आए शूटर्स जिस होटल में ठहरे थे उसके मैनेजर ने अहम जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि शूटर सिर्फ पिट्ठू बैग लेकर आए थे। हत्या से 3 दिन पहले जब वे होटल में रुके थे तो उनके पास प्रेस आईडी कार्ड, माइक या कैमरा नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उनकी मदद बाहर से कोई कर रहा था। दिल्ली में कार सवार ने युवक को टक्कर मार घसीटा, आरोपी गिरफ्तार। मध्य दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर एक कार की कथित टक्कर में 25 वर्षीय एक व्यक्ति घायल हो गया। साल 2023 की पहली तारीख को कांजावाला इलाके में कार सवार 4 लोगों ने एक स्कूटी सवार लड़की अंजलि को टक्कर मारकर कई किलोमीटर तक घसीटा था। 3 दिन तक घर में मां बाप की सड़ती लाश के बीच पड़ा रहा 1.5 साल का मासूम। एमपी में हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना। ग्वालियर में दंपत्ति की मौत की सनसनीखेज वारदात हुई है। उनकी लाशें घर में लटकी मिली जो सड़ना शुरू हो गई थी। घर में 1.5 साल का मासूम बेहोश मिला। लोगों के मुताबिक दंपत्ति में विवाद होता था, युवक नशे करता था और पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। चेक पोस्ट पर आबकारी टीम पर किया हमला, मारपीट कर शराबी ने चबा डाली ऑपरेटर की उंगली। बिहार के सारण जिले में चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान कुछ शराबियों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शराबी ने ऑपरेटर के साथ मारपीट कर उसकी उंगली ही चबा डाली। बताया जा रहा है कि कार में सवार 6 लोग यूपी से बिहार आ रहे थे। कार में तस्करी कर शराब की खेप लाई जा रही थी, उसी दौरान यह घटना हुई। दिल्ली एनसीआर में कल से बरसेंगे बादल, गर्मी में मिलेगी राहत, आईएमजी ने दिया अपडेट। देश की राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाके में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की बात की है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी।